हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपवात, जिसको हम मॉडर्न में पार्किंसन डिजीज से कोरिलेट करते हैं। तो कंपवात का जो वर्णन है माधव नीना ने सबसे पहले वेबतू नाम से किया था, ठीक है, वेबतू नाम से। फिर आते हैं इसके निदान जितने भी वातवर्धक निदान है, वृक्ष अन्न का सेवन, प्रमिताशन करना या फिर कठिन भोजन लंघन ज्यादा करना, अधोगमन करना, ठीक है, ग्राम्य धर्म, ये जो है वो मतलब मैथुन का अधिक सेवन करना, व्यायाम अधिक करना, जितने भी वातवर्धक निदान है वो सारे आएंगे इसमें। देन वी कम टू द संप्राप्ति। संप्राप्ति से क्या होगा, निदान है उनकी वजह से वात प्रकोपित होगा, ठीक है, वात और कफ दोनों, वात भी और कफ भी दोनों प्रकोपित हो जाएंगे। तो ये कफ क्या होगा, वात के मार्ग को अवरोध कर लेगा, ठीक है, जो वात है वो कफ के मार्ग को अवरोध कर लेगा तो वात और भी ज्यादा प्रकोपित हो जाएगी। वात प्रकोपित होके क्या जाएगी, जो सिर प्रदेश है मतलब सिरस्त जो मज्जा है उसको दूषित कर देती है। सिरस्त मज्जा को दूषित करके पेशेंट है जो उसका चेतना का नाश करती है, या तो पूरी बॉडी में मतलब सर्व शरीर में या फिर सिर प्रदेश में जो कंपन करती है, जिसको हम कंपवात बोलते हैं, ठीक है, ये होगी इसकी संप्राप्ति। फिर आते हैं इसके लक्षण पे। लक्षण में क्या होगा, पूरी बॉडी में जो है वो पेशेंट को कंपन होगा या फिर सिर प्रदेश में कंपन होगा, उसकी चेतना का नाश हो जाएगा। क्षीण मति मतलब डिमेंशिया वाली कंडीशन है, जो मति क्षीण होने लग जाती है, चेष्टा हानि होने लगती है और जो है वो पेशेंट झुका हुआ रहता है, ये हो गए इसके लक्षण। देन वी कम टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होगा, सबसे पहले निदान परिवर्तन है, जैसे मैंने आपको बताया संक्षेपते तु क्रिया योगो निदान परिवर्तन। फिर उसके बाद आता है वात और कफ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वात कफ हर चिकित्सा करनी है, ठीक है, आप जैसे एग्जाम में लिखोगे तो अच्छे से लिख के आने इसको, वात कफ हर चिकित्सा करनी है और आवरण नाशक चिकित्सा करनी है। तो क्योंकि क्या हुआ, कफ ने वात के मार्ग को अवरोध किया, तो यानी आवरण नाशक जो हम चिकित्सा करते हैं, आवरण में जैसे हम पहले जिस दोष ने आवरण किया है यानी कफ ने मार्ग को अवरुद्ध किया, तो कफ वाले ट्रीटमेंट भी करेंगे और ऐसा ट्रीटमेंट भी करेंगे जो वात का भी, वात को भी ना बढ़ाए, ठीक है। तो आवरण नाशक ट्रीटमेंट करना है पेशेंट को, नस्य स्नेहन स्वेदन विरेचन ब्रेहन चिकित्सा, रसायन का सेवन कराना है और अनुवासन वस्ती का प्रयोग कराना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो योग है उसमें क्या आएगा, जैसे पूर्ण चंद्रोदय रस हो गया, वात गजांकुश रस, एकांग वीर रस, चंद्र अमृत रस देना है, चूर्ण में अश्वगंधा चूर्ण, पिपली चूर्ण, बला चूर्ण दे सकते हैं, वटी में रसोन आदि वटी, चित्रक आदि वटी, अरिष्ट में जैसे अश्वगंधा अरिष्ट, अष्टवर्ग का क्वाथ, बला अरिष्ट, अश्वगंधा अवलेहे, महामाश तेल से पेशेंट का भंग करना है, शीर बला तेल से नस्य दे सकते हैं, फिर षड बिंदु तेल से नस्य दे सकते हैं, सहचर आदि तेल का शिरो पिचू दे सकते हैं, लसुन रसायन, और जैसे पेशेंट को योगराज गुगलू, वात बढ़ा हुआ है तो योगराज गुगलू, वातारी गुगलू दे सकते हैं, दशमूला रिष्ट है जो उससे पेशेंट को स्वेदन भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपवात। थैंक यू।